जय हिंद जय भारत। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सीआरपीएफ ट्रेड्समैन पाइप बैंड और ब्रॉज बैंड के ट्रेड टेस्ट के बारे में। ट्रेड टेस्ट कैसे होता है, ट्रेड टेस्ट में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, ट्रेड टेस्ट में आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ट्रेड टेस्ट आपका कितने मार्क्स का होगा, कितने मार्क्स लाने से आपको क्वालिफाई किया जाएगा नहीं तो डिसक्वालिफाई किया जाएगा, ट्रेड टेस्ट में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो दोस्तों इस जैसे कई सारे सवालों के जवाब लेके इस वीडियो में आया हूँ। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका जो ट्रेड टेस्ट होगा वो कितने मार्क्स का होगा। जो आपका नोटिफिकेशन आया था उसमें साफ साफ बताया गया था कि आपको जो ट्रेड टेस्ट होगा वो 50 मार्क का होगा, ठीक है। उसमें से आपको 20 मार्क्स लाना बहुत जरूरी है जो है क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप उसमें 20 से कम मार्क्स लाते हैं तो आपको जो है वहीं पे डिसक्वालिफाई किया जाएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो ट्रेड टेस्ट, क्योंकि ये वैकेंसी ट्रेड्समैन की है दोस्तों, तो इसमें जो है स्किल ट्रेड टेस्ट का बहुत ही ध्यान रखा जाएगा। अगर आप 20 से कम मार्क्स लाते हैं तो आपको डिसक्वालिफाई किया जाएगा। तो आपको जो है कम से कम भी आपको जो है क्या करना पड़ेगा कि 20 मार्क्स लाना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान रखना है जब ट्रेड टेस्ट देने के लिए जाओगे। तो अभी बात करते हैं कि आपके जो आपका स्किल ट्रेड टेस्ट होगा उसमें क्या क्या होगा। तो जो आपका नोटिफिकेशन आया था उसमें साफ साफ बताया गया है, ठीक है। तो पाइप बैंड में क्या क्या होगा स्किल ट्रेड टेस्ट में, तो नॉलेज ऑफ प्लेइंग पाइप बैंड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो और ब्रास बैंड में क्या होगा, तो जो आपका नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं इसमें नॉलेज ऑफ ब्रास बैंड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, नॉलेज ऑफ प्लेइंग ब्रास बैंड इंस्ट्रूमेंट, ये जो है आपके नोटिफिकेशन में साफ साफ बताया गया है। तो इसी के रिलेटेड आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और यही आपको करना है, ठीक है। तो साफ साफ बात है कि सीधी सीधी आपको बजाना आना चाहिए, ठीक है। जैसे आपको बांसुरी पता है, मुरली जो बोलते हैं कि बांसुरी जो है उसमें आपको जैसे बजाते हैं ना उसी तरह से, जैसे बिगुल बजाते हैं, सारा खेल जो है आपके अंदर की आप जो अंदर हवा लोगे उसी से और आपकी जीभ, ठीक है, उसी से आप जो है उसमें से आवाज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यही सब आपसे आपको सीखना भी पड़ेगा। अगर आप सीखे नहीं हो तो आपको सीखना भी पड़ेगा क्योंकि ये आपका स्किल ट्रेड टेस्ट में होगा, ठीक है। तो और पाइप बैंड में तो चार ही इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है बैक पाइप, ठीक है, साइड ड्रम, ट्रेनर ड्रम और जो है आपका बेस ड्रम, ये चार ही इंस्ट्रूमेंट पाइप बैंड में होते हैं, ठीक है। तो आपको इसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में ज्ञान नहीं है तो आपके पास में जो भी नजदीक में जो है बैंड पार्टी होगा वो उसके पास में जाके आप जो है सीख सकते हैं। अभी आपके पास में बिल्कुल ही शॉर्ट समय बचा है, आपको वहां पे जाने के बाद में जब आप पाइप बैंड का ट्रेड टेस्ट देने के लिए जाओगे तो वहां पे जो अधिकारी बैठे रहेगा, जो भी सामने जो उस्ताद बैठे रहेंगे वो क्वालिफाई उस्ताद रहेंगे, ठीक है। तो आपको जो जैसे ही आप बजाते हैं तो आपको बजाने के टाइम में जो है आपसे एक धुन निकलनी चाहिए, ठीक है, कोई भी एक धुन उसको उनको निकाल के दिखाना है, तो वो वहीं पे समझ जाएंगे कि आप को आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा स्किल ट्रेड टेस्ट में ज्यादा से ज्यादा 5 या 10 मिनट का समय दिया जाएगा, इससे ज्यादा आपसे समय भी नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल ये मतलब शॉर्ट समय में आपको वो पता चल जाएगा कि आपको आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो आप बैंड हुआ, ब्रास बैंड हुआ, ये सब म्यूजिशियन के अंदर में आता है, ठीक है। तो आपको जो है अगर आपको म्यूजिक का शौक है और आप अच्छे से म्यूजिशियन है तो आप इसमें जो है आसानी से क्वालिफाई कर जाओगे। तो ब्रास बैंड होता है वो एक नहीं होता है, उसमें कई सारे इंस्ट्रूमेंट जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है बेल, यानी जिससे हवा निकलती है उसको क्या बोलते हैं कि बेल बोलते हैं, और जो आपसे मुंह से जो बजाते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं माउथ पीस, ठीक है। और जो रिसीव मतलब जो मुंह के निकलने के बाद में जो पाइप आता है उसको क्या बोलते हैं, तो माउथ पीस रिसीव बोलते हैं, ठीक है। और जो है वाटर की बोलते हैं, एक वहाँ पे एक छोटी सी की रहेगी उसको वाटर की बोलते हैं। और फर्स्ट वॉल्यूम, सेकंड वॉल्यूम और थर्ड वॉल्यूम, ये जो है सभी ब्रास बैंड में सेम होता है, ठीक है। तो आपको इसका ध्यान रखना है, बाकी जो है सब चल जाएगा, लेकिन इसमें आपको जो है यही सवाल पूछे जाएंगे वो थोड़ा बहुत, और आपको जो है आपको उसमें जो है आपको सब कुछ मतलब सब कुछ बजाना नहीं आएगा तो भी चलेगा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत तो बजाना आना चाहिए, ठीक है। जब आप बजाओगे तो उसमें से एक धुनी निकलनी चाहिए, जैसे कि ये सारे गम प ध नि सा ये जो है नोट्स है उसी तरह से इसके भी नोट्स होते हैं। अगर आपको अभी भी नहीं आता है तो आपका जो है 10 जुलाई से जो है ट्रेड टेस्ट, स्किल ट्रेड टेस्ट और फिजिकल सभी शुरू होने वाला है, तो आपके पास में भी अभी थोड़ा समय बचा है, ठीक है। तो आप जो है नजदीकी जो आपके बैंड पार्टी है उसके पास में जाके आप सीख सकते हैं।
ठीक है। तो दोस्तों अगर इस वीडियो में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है, अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट्स है, फिर भी कोई सवाल है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।